फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल प्रेजेंट हेयर। सो आज मैं एक स्मार्ट चार्जर से रिलेटेड अपना आइडिया प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आप सबके सामने। सो जिसमें बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं तुषार हूँ, बी टेक फोर्थ सेमेस्टर से सिटी यूनिवर्सिटी से, और ये है मेरी टीममेट साइबा। सो सर, हमारा बेसिकली जो आइडिया है वो इस प्रॉब्लम के अराउंड है कि हम देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो है वो ओवर चार्ज हो जाते हैं, उनकी बैटरीज ख़राब हो जाती है, या समटाइम्स और भी इश्यूज़ आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन में ओवर चार्जिंग के ही चलते। सो हम एक ऑप्टिमाइज्ड चार्जर बनाएंगे, सिर्फ एक ही नहीं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनाएंगे, क्योंकि आजकल वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी आ गई है मार्केट में, बट लेकिन वो पुराने फ़ोन्स को सपोर्ट नहीं कर रही। तो जो पुराने फ़ोन्स हैं उनमें भी वायरलेस चार्जिंग कैसे हो सकती है, उस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्जर्स के आइडियाज़ हैं मेरे पास। सो उनको हम बना सकते हैं बेसिकली। सो जो हमारा आइडिया है उसका बेसिकली जो पहला सोल्यूशन यही है कि जो हमारा चार्जर होगा वो एक एप्लीकेशन के थ्रू चलेगा। हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर छोटा सा बना के मोबाइल फ़ोन में डाल देंगे, हमारे पास एक चिप रहेगी, जो चिप है वो बेसिकली पहले मोबाइल फ़ोन में लगेगी एंड उसके बाद वो मैग्नेटिकली वायर जो है चार्जर की वो उससे कनेक्ट हो जाएगी, और जब फ़ोन पूरा चार्ज हो जाएगा तो उससे उसको सेंसर से उसको क्या कहते हैं सिग्नल जाएगा कि इसको अब छोड़ देना। सो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वायर उससे जुड़ी हुई थी फ़ोन से वो कट कर देगी चार्जिंग को, और उससे वापस चार्जिंग जो है एमिट भी नहीं होगी। पहला सोल्यूशन तो इसका मेरे पास ये है। और दूसरा सोल्यूशन जो है वायरलेस चार्जिंग का स्मार्ट चार्जर्स में, वो ये होगा कि हम एक ही ऐसी छोटी पिन बना लेंगे जो विद इन अ रूम वायरलेस चार्जिंग को कैच कर सकेगी, बट लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रखा जाएगा जिससे कि उसका ज़्यादा वेट नहीं होगा और वो इजी टू हैंड मतलब इजी टू हैंडल होगी, उसको हाथ में पकड़ने में भी जैसे इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे। सो बेसिकली मेरा स्मार्ट चार्जर से आइडिया यही है। सो सर, ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपको किसी को भी आइडिया पसंद आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आप कोई भी मेरे साथ काम करने के लिए विलिंग है इस आइडिया पर। सो ये था मेरा और मेरी टीममेट साइबा का आइडिया। थैंक यू सो मच। ओके, सो तुषार, Do you have any competitor existing right now? जो इस तरह का product market? For time being, इसका कोई competitor नहीं, मतलब इस तरह की technology है, but लेकिन इस purpose के लिए technology नहीं है। And जो आपने technology बोली है, उसको prepare करने के लिए what components you will be requiring? सर कुछ नहीं, बस थोड़ी सी physics लगेगी और थोड़ी सी computer science, और वैसे ऐसे कोई complex components नहीं चाहिए सर। वैसे भी सर wireless charging वगैरह तो आजकल बहुत मतलब normal हो चुकी है, पॉसिबल हो चुकी है सर, बहुत इजी हो चुकी है, और सर बेसिकली इंडियन मार्केट में इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है येट। ओके, टेक्निकली सर व्हाट इज द कॉस्ट एडिक्टेड दिस प्रोजेक्ट? सर कॉस्ट वगैरह अभी हमने इसको मतलब इतना वो नहीं किया, अभी आइडिया आइडिया है, और सर इसको जितना ज्यादा हो सके कॉस्ट एफिशिएंट रखा जाएगा, क्योंकि सर इंडियन आपके अकॉर्डिंगली फिर भी कितनी कॉस्टिंग लगेगी इसमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए? सर इसके ऊपर कोई खास कॉस्टिंग लगने नहीं वाली, एक नॉर्मल चार्जर अराउंड 500 टू 600 का बन जाएगा एक नॉर्मल चार्जर। अगर हम वायरलेस की बात करें तो इट में कॉस्ट अराउंड 1000। ओके, एंड मार्केटिंग का कुछ सोचा है आपने कि इसको मार्केट कैसे करोगे आगे, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से? मार्केटिंग के लिए मेरे पास अभी कोई बंदा नहीं, और मैं मार्केटिंग में हूँ भी नहीं। ओके, सो येट मेरे पास कोई आइडिया नहीं इसकी मार्केटिंग का। तो यूनिवर्सिटी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सर यूनिवर्सिटी से बस थोड़ी सी टेक्निकल सपोर्ट और थोड़ी सी मार्केटिंग सपोर्ट ही मैं सीख करूँगा। एक आपको ना अवेलेबल डिवाइसेस के साथ कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए। हाँ जी सर, वही अवेलेबल डिवाइसेस के लिए मैंने बताया कि लाइक अवेलेबल डिवाइसेस तो वायरलेसली चार्ज नहीं हो सकते, बट लेकिन इनके लिए हम एक USB टाइप इवन एक USB से भी छोटा डिवाइस बनाने की कोशिश में है, ताकि सर वो ईजी टू हैंडल रहे, वरना फ़ोन चलाने में दिक्कत करेगा वो। तुषार मुझे तो तुम्हारा आइडिया नहीं समझ में आ रहा। This is not whatever the problem is there in the market. If you talk about the mobile phone, we have seen that most of the people used to connect the mobile phone in the night and then they use that phone in the morning, or that do not affect the battery also. And in nowadays in most of the mobile phone there is auto cut system also. Yes, so that's actually not properly auto cut system sir. Usme hota kya, optimized battery charging hoti hai, जिसमें सर हमारा 50% या फिर टिल वन लिमिट जो मोबाइल फ़ोन है वो अच्छे से चार्ज हो जाता है, एंड देन उसके बाद वो हमारी डेली रूटीन के अकॉर्डिंगली हमारे फ़ोन चलाने के टाइम को। ये प्रॉब्लम जो है लोगों को फील होगी तभी तो वो इसका सोल्यूशन खरीदेंगे। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने दो तीन दिन कंप्लीट, जब ये प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही तो उसके लिए वो 1000 रुपये 500 रुपये खर्च क्यों करेंगे? सर एक्चुअल में इसमें ना आपको ना बेसिकली देखो, जो आपने प्रॉब्लम बताई कि ओवर चार्जिंग हो जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है,
कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए. नंबर वन, कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट्स, कुछ जो जैसे ब्लास्ट हुए, मोबाइल ब्लास्ट जो हुए हैं, उसके आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि उसके पीछे मेन रीज़न था क्या. अगर सपोज करो कि ओवर हीटिंग या ओवर चार्जिंग उसका पीछे मेन रीज़न था, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे सर ने बोला कि मोबाइल्स में ऑटोकट टेक्नोलॉजी है, बट ऑटोकट टेक्नोलॉजी आपकी डेली की यूजेज के अकॉर्डिंगली आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस को अडॉप्ट कर लेती है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपकी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज वो करती है, राइट. तो जो सर ने बोला है ना, इसके क्वेश्चन के आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, इसको रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जब आते हो, जब आइडिएशन से लेट से कि आप MVP स्टेज पे जब आते हो, तो उस स्टेज पे आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स हो. ओके सर, ठीक है. स्टार्ट. एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज इट डज. विद दिस कोट ऑफ पॉजिटिवनेस आई एम गोइंग टू शेयर माय आइडिया टुडे विद ऑल ऑफ यू. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर. दिस कोट, why did I choose this, is because whatever we may think, sometimes we think that it may not work, but certain changes in the world makes the world grow. So before going further into the idea, I would just want to give you a warning, and that is, the future is here, so buckle up and let's dive in. Introducing the ultimate educational smart desk. And now when I say the ultimate educational smart desk, many of the people here, they may have a wrong idea, saying that there is already a smart desk, but what is different over here? Why did you name it as educational smart desk? With the idea of the name only, you may get an idea that I would like to make a desk used for educational purposes. Features and specifications. This will be inside the desk. As you can see, an inbuilt LED screen, a wireless charger, inbuilt headphones, AI assistants, digital notepad, inbuilt accessible by the host only, a drive that will be only accessible by the host, a water bottle stand and an adjustable desk. Now what we have done in this desk is we've taken small components of different varieties and combined it into one that may be more valid for a student. And the main thing and the difference that this desk has from others smart desk is its screen. This screen can be attached and deattached in the desk. These are the specifications that I want. I have not actually like made everything, but this is the outlay that I want in it. As you can see, the screen size would be like an average size of a laptop, 17.3 inches. It will be touch screen, fingerprint, then internal storage, cloud storage, pop-up camera, eye comfort, notepad connectivity. When I mean notepad, there will be a specific notepad section in which, for example, let me give you an overview of what I want to do with this. This is basically for educational purposes that can be used in universities, schools, and for smart classes. Now, what I mean by this is, we as people are trying to consume less and less paper every day. We want it to be digital, we want it to be efficient, we want it to be more understandable when we learn things. What this screen does, I'll just give you an advantages and disadvantages. This is the ultimate app. This is the one specification that will be different from all other smart desks. Even if they put screen and all, this is the ultimate app for which I have not thought it through, but we need a lot of coding, a lot of technical support to create this. What this app does, this app is specifically, it provides all the icons that you can see, like for example, notepad, the lock screen as I explained, the fingerprint, the cloud storage, headphones, all the connectivities, Bluetooth, wireless, everything, calculator for students, timers, then here as you can see, all the drives, mapping system. Now what this desk does, this is a very interesting part. Let me give you an explanation about it. Now this will be a user interface. Now what happens is, in a class you're sitting, for example, this is my main teacher's desk, and there are certain smart desks over there. Now what the teacher can do, instead of writing on a board, then you have to wipe it and all these explanations, with the help of AI assistance in this, as soon as the teacher just writes or whatever note she wants to send, she has to just swipe it and the entire class gets the note. And this can be used for examination purposes as well. How? Let me explain.
when you conduct an exam, obviously this is digital, so there might be chances of hacking and everything like that. But what this does is, as soon as the paper is launched, there are inbuilt jammers that will jam anything. As soon as they solve the paper on their desk with a notepad and digital pen right there, that will be submitted. And as soon as you open the portal, it will automatically go there to the drive with which teachers can access and do. This provides an AI assistance. For example, teacher is explaining a topic. She says, what is the meaning of this? And you don't know. You have to just click it with AI support and you may get the whole explanation or possible explanation to this. With the virtual reality things and all, we can add it as we go forward. Now let me share a few advantages of this. Improved learning experience, personalized learning, increased productivity, enhanced collaborations. But there are disadvantages as well for this. I have thought about it. Obviously, when you create something this modern, cost will be a problem. Technical issues will arise. Learning curve, what I mean learning curve by when I provide this device, obviously you will need a tutorial, how to use it, how to, you know, function, how does it function. That is there. And because it is digital, it may take maintenance, security risk because it goes online. Then all this, power supply is required. So thank you. This was my pitch. Okay. Kevin, do you think that a lot of AI would be involved into it? Yes. And that is going to increase the costing of this product? Yes, sir. What exactly figure are you having in mind? I have not done a research on the cost, but I know that because of the AI and everything, the new generation is completely AI and virtual reality. So taking our education to a next level and moving forward with the world, I decided to introduce a smart desk, which will actually help them to develop their own skills, which will be convenient and efficient, though the cost will, I am not sure about the cost because there may be a lot of technical things I have to work on before, you know, actually saying how much or estimating the cost. But and like the thing, like you said that suppose a teacher is writing something, you know, on his screen, and with just a push of a button or by just a gesture, it can be, you know, yes, shared because, everywhere. Yes, one is the host, another are just the participants. Yeah. Each class will have one host. And I'm not saying every university, every class should be there. It can start with small, like with a smart class or with a digital classroom where people who are interested in technology, AI, computers, they can learn this. And everything will be interconnected. So one host just has to press send, all the participants get their notes. But this is already existing. This kind of technology, yes, sir, is already existing. And like it's available free of cost also. Scribbles and doodles kind of things like in which like if you put something quiz also on the screen, automatically everyone can see that what is happening on the screen. I can see some schools are using this technology. Some schools are using, but you are trying to integrate everything in one screen. Yeah, that is the thing of the ultimate app. Okay. That is the application that is, you know, actually being different and standing apart from the all other smart desk and all other technology. Because that app is what will make a difference. And I have to work on that app to make it, you know, actually accessible to the world as well. Yes. So now you're working, you are presenting your idea for the application or for the device? Actually, now I'm just like giving you an idea of what I had in mind, because I personally, when I attend classes, there are topics that I don't understand. And teachers, they say like, don't use your phone, because I know it's against the activities because some of them misuse the technology. But there are certain words we don't understand, certain, you know, languages we don't understand. This AI, this app will help us understand better. It will give us a 3D visualization as well. Got your vision. Yes. So right now, impact on their exam, sir. Yeah. So means at the initial stage, you will be planning to work out on the device itself. Yes, sir. And then later on, the app development will come. Yes, sir. Okay. But don't you think that it's going to affect the creativity also of the student? No, if he's getting everything, like now ChatGPT is there. Yes, sir. Right? And if I want something from the internet, I can just write it down and I'll get each and everything. So that's ultimately killing down the creativity of the persons, like, of, you know, means of every domain. So do you think that the smart desk would also be a addition to that? Now, sir, when I talk about technology and you're saying creativity,
Now this specifically is just to understand what the topic is, what they want to learn about. But the creativity won't be degrading, because the creativity comes from one person, and by you're saying that we're providing him everything like spoon feeding, obviously they won't be creative. But here what I'm providing is just a source for making the student understand. Now he has to use his creativity to make stuff. He has to use his creativity to do the exams. He has to use his creativity to do the projects. But he will do all that in this app, this smart desk. If given the time frame to you, how much time do you think that you're going to take to devise a prototype out of it? I have an idea of a prototype, as you just saw. But the app will take the most of the time that I think. Let's not talk about the app right now. Let's talk about the physical device at first. Yes, so how long, a year or when, how much it's going to take? So before estimating, I have to do a research about the existing, then what I can do to make it apart, creative, innovative, different from them, and how can I make it fast. So obviously for me, it may take time as if 6 to 12 months, okay, probably. And what support are you looking out from the university? I'm looking out guidance, and I'm looking out for not funding, but I'm looking out for technical support, as if guidance of teachers on if I want to create an app like this, what are the requirements that I need? How can I proceed with it? What are the, because I'm from a management background, I don't know much about the AI, I don't know much about computer, but I just need the guidance to understand the concept better. I believe that this is just a thought, okay, not even a business idea. You are thinking there should be a desk in which everything will be there. Yes, sir. And first of all, there are many tablets, laptops, mm-hmm, many applications, many things are already available in the market. So nobody needs this, okay, first of all. Secondly, you already have shared that what are the problems associated with this. Yes, sir. Right. First of all, when you have a business idea, you think about and talk about the positive thing, not the negative thing. Then you do not have the heart, something in heart, or you do not have the plan that what will be the costing for the software or the hardware. So it's already not even, the baby is not even born. So that is just a thought, not even a business idea. So I think that you need to work on it. You need to think actually what you want to do with your life with this idea, right? So I do not find it feasible from any point of view, because you still need a lot of clarity, work on it, right? If you have an idea that you want to create a desk, you should know that what will be the cost, how much time is required to create that particular thing. Everything is needed. For business, you need to have, first of all, some product, some idea. This is just a thought, not even an idea. That's my opinion. But sir, I would just like to say something on that. As you're saying business, this is just an idea that I have that I want that to implement. We are just discussing ideas over here today. That is just a thought process in your mind, right? Just a thought process. We can create it, but you have not seen the different kind of product that are already available in the market. When, you know, let's suppose if I want to start any business, I must see that whether there is any requirement or not, right? See, I cannot say that I want to build a society in Mars. Right, I do not have any plan, I do not have anything, I do not have anything. So I need to work on it. That should be feasible also. One, you know, means point of suggestions for all the persons, those who are sitting over here. Like, although, you know, means this is just the idea presentation session right now, but still, when you are presenting the idea, do your research thoroughly. Like, who are your competitors? What are they offering? Now see what happens. There is a famous saying that if you are thinking of one idea, then 7 people in the world are thinking of the idea at the same time. So never be afraid of sharing your ideas or researching your idea, with your counterparts, because until and unless you'll share, until and unless you discuss, you'll not get to know that what are the, discrepancies or what are the additions or advantages that your idea has. That's why, this session has been kept, so that when you discuss your ideas with the panels over here or with the friends, those who are sitting over here, you'll get to know certain points where you need to work more. Like you rightly said, that you need to work more on the research part, because until and unless you'll not do the research, you'll not get to know how much costing would be involved, you'll not get to know what kind of technology is required,
it's a good process that yes, you have an idea, at least you have a direction that yes, in this direction I need to follow. Now on that direction, what hurdles might come and what extra steps I need to take in order to cross that hurdles, that requires a research part, right? So start working on it, right? The concept is innovative, right? Right now, like, you know, means, and yes, one more thing, whatever feedback that we are giving over here, don't, you know, means get demotivated by the feedback that we are giving, because see, we are being very blunt, very harsh, very realistic with you guys, okay? And all these feedbacks which we are giving you as per the market scenario only, because ultimately you will be jumping into the sea of entrepreneurs who are working day and night in order to make that idea success. And one, it's not necessary that one idea which, you know, it comes across to your mind that can ultimately turn down into a successful venture. You know, a many round of thought process will be going in order to make that one idea success. So one thing is that once, like, you give your presentation over here, after taking the feedback, do some research, do some market surveys, right? Try to analyze where your idea can be fit. If there is not a market, then how can you create a market for the idea? When it comes to Ola, Uber or Oyo, there was no market. No one was, you know, means in need of a hotel room, or no one was in need of a cab. But yes, those guys, they created the demand by introducing those things. So similarly, you also need to create that thing, right? Find out, like, this is the problem that you found out, that yes, there is a problem, multiple problems are there, but you're trying to put up in a single platform. Now, like sir rightly said, if it's a, you know, it's thought process of a baby which is not yet born. Now when this baby will actually be born, you have created a, you know, it's a 3D dimensional prototype of it. But bringing that prototype into an actual reality, that requires a lot of technicality. Like you said, that you'll be requiring the AI expert, since you are from management background, then you need to tie up with certain persons who are good at AI, who are good in, you know, means drafting those panels, now procuring the screens. You said that we'll be, you know, means having that kind, one particular kind of a screen which is 17.7 inches. From where are you going to procure that? What screen? Now, and I was not able to understand one thing, that in desk, like, what is the size of that desk which you are planning? First thing, where are you going to put that screen? Like, if let's say that if the size of the desk is, let's say, 24 inches, let's say, right? Then 17 inch is being, you know, means borne by that screen itself. The remaining 5 inches, what else is going to be over there? Then how the desk is to be presented or placed in a particular classroom? How easy it would be to transport? How much, like you rightly said, that maintenance would be required. So these are certain points and certain things that we need to work on. So good luck, best of luck, you know, means come up with more research. And in the next round, we, you know, means expect that when you present your idea in the next round, you have all these, you know, means researches done, because see, it's a long process. It's just the seed stage which we are discussing right now, that yes, you have this idea with you, right? Once you share the idea, then only you will be entering into the research. It's gonna take 8 months, 12 months, a year, or more than a year to make that seed into a good sapling. Okay? Thank you. Thank you. Hey, Val, good afternoon to all the members present here. Today, I, Rahul. And Vishen. Mini. We are going to present our business idea on the Q-White. So, how are you, Mini? I'm fine, Rahul. What about you? I'm good. I've just heard that you are in your preparations for the marriage of your sister. Yeah, Rahul, everything is going good, but sometimes I just got worried. Like, I have just heard about a scenario, one of my friend's sister's wedding. Like, some of the uninvited peoples came in the event and they just start doing the nonsense behavior over there. And not even that, like, we are organizing the event, like, menu according to the members who are coming over there. That's a big issue. Yeah, I've also heard this issue coming. So even that, they steal out the shagun bag of the of that particular event. That's a major issue. Yeah. So in real life, we also come across the issues, like when we are organizing any event or any weddings. What happens? The trespassers or uninvited guests come and they create a place of nonsense over there. So we are having an idea, that is Q-White. Next slide.
So it is not only related to weddings, it is also related to events. So for events, I would suggest like the seminars happening over in City University, any star night happening in City University, or any other college or place. So any kind of seminars, events, anything that would be crowded place like. Yes. Next one. So as you can see, the introduction part. In today's era, the major issues unwanted guests or trespassers. So this leads to a situation of economic issue and breach of security. Security breach because we don't know the person. What is their motive? Why are they coming here? Is there any terrorist purpose or anything else? That's why we also consider security. So to solve this problem, an innovative idea of QR code is being developed by our team. So there are some features that could be in. First of all, there is non-invited people will not enter the event as the entry will given on the basis of the QR code. Whosoever will be having the QR code, that will be entered only. And second one is QR code will having the information related to the name of the head person, like we can say like the father of the family or any head person we can say. Contact number of that person and the number of the members accompanying him or her. And the fourth one is the optional one, that is picture or Aadhaar details of that major person. And third one is the security check will be at the beginning of the event entry. The scanner will be installed or carried manually by the security officials. They scan the code and permit the entry. So the information is like that. If I am having my family, so I'm having the person of five, like me and my four members. So my name will be the head name, and the others will be the numbers, like the four in the number. They will be accompanying like his me. Wife, his spouse. And other will be the contact number. With the contact number, I will be attached to that QR code. That will be my identity for that. And after that, the number of person accompanying I've already explained. The last option is for security. Like if in future we are having some issues, like there are some matchups, then we can enter the picture or the hard detail of that person. And the security check is like that. We have seen the fast tag working. So the card when goes through the tag scanner, the code automatically gets scanned. But also there will be an option like person will be having manual device like a phone or any tab. They will scan the code which the person in, guest will present, and then he will get the entry. Next, please. The fourth one is the number of guests received. The data will be stored and will be shared to the organizer and owner. For example, I have organized an event. So I have invited 400 guests. So I don't know how many people came. So the number, exact number of how many people came, who came, will be also stored and it will be transparent. So I don't need to be creating a list or to ask someone, did you came or not. I will be having all the data. And the most important things, like that is fifth and sixth point. As you have seen, like when we have to reach any venue or any place, we don't know the exact location. Like it is in another city. I am going to Delhi or any other place. I don't know about that city. I will use call the person, like where it is, like that. But I know there is an option for Google location, but I have to take it or search it, or it is not that I will find the same location. So for that purpose, our app, that the QR code, will also be having the Google location link of that particular venue. So the person जो भी वहाँ पे आएगा वो exact location पे आ जाए. ये नहीं है कि अगर उसको location नहीं मिल रही है तो वो पहले phone कर रहा है कुछ भी कर रहा है. So like that. The sixth point. There will be an option for the online shagun or the monetary transactions. Like as I have already said to you, like they have stealed out the shagun bag of there. So with this, there would be proper security over there. So in recent, it not a created scenario, one of my relatives' marriage, they were taking the shaguns in one bag, and when that person who was the responsible, he has to manage other things as well, and that bag was stolen. So all the money, all the responsibility is now removed with the help of online shagun payment. And the person who is paying will also get the proper details, like who paid who, how much amount, that's also secured amount. So not even that, like when the uninvited guests are coming, just because of them, the menu got shorted sometimes. We have just seen like, अगर उन्होंने 100 प्लेट्स का किया, अगर 200 persons, अगर 50 persons extra आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये problem create हो रही है आजकल.
So the app, the project will be in the two phases. It's not like single phase app. So in the first phase, the venue management will collect the data, like City University will take the contract from us and they will create, like they will do themselves. They will scan themselves, they will transfer the data themselves to the persons and we will give them on the contract basis. In the other case, a team, special team will be created by us, that is our team. They will go to the, your venue and organize your event and they will just take the scanners and required information and then will organize your event. Next please. So the benefits of the project. You can skip this. Next. So the main thing that we wanted to eliminate that the risk and the thing is hard earned money of the people. Like agar koi shaadi hai, koi bhi event karwa raha hai, to uspe uske bahut sare paise lag rahe hain. और अगर उन्होंने उसने 300 बंदे को बुलाया और 300 की जगह थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा रख रहे हैं पर फिर भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो ऑन द स्पॉट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर को बोल के हमें एक्स्ट्रा प्लेट लेनी पड़ती है वो अपनी मनचाही कॉस्ट पे लगा देते हैं सर कहीं ना कहीं इंसल्टेडनेस भी यहाँ पे आती है क्रिएट होती है और हार्ड एंड मनी भी हमारी ज़्यादा लग रही है इट्स अ गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया बट द प्रॉब्लम विद दिस आई फील इज दैट इट इज गुड फॉर द फॉर्मल इवेंट्स Especially some company event or corporate events. Event, corporate event. Because if I talk about the events like you, your focus is on marriages, right? So in marriage, you cannot ask someone ki kitne log aa rahe ho. If you ask someone, people feel offended. Ki hum aate hi nahi. That is the Indian scenario. It is good for the some other country also. Plus the online payment system, online shagun system. People sometimes also feel. They don't want to disclose. They don't want to disclose how much money they are giving in Shagun. Sir, it is for people like who can't visit. मतलब कुछ होते हैं ना जो नहीं हैं. उसके लिए Paytm है, GPay है. Sir, that's why we created these. वो सीधा transfer कर देते हैं क्योंकि उनको पहले उनसे information लेनी पड़ेगी account की. Plus, no one is going to give you the information in advance कि कितने लोग आ रहे हैं. Sir, वो हम नहीं पूछेंगे. Just we will ask कि आपके family में कितने members हैं and we will put out the data over there. ऐसे थोड़ी है मेंबर मेरे से अगर कोई से एक रहा है तो मतलब आज कैन नॉट फील लाइक दिस ना और अगर आगे एक से ज्यादा आगे तो उसे रोक दोगे क्या करोगे पहले भी था जैसे कि मतलब पहले जैसे वी हैव सीन द कार्ड एंट्री अगर हमने शादी के अंदर जाना पहले नहीं होता था क्योंकि ऑफेंडेड फील करते थे पर जैसे जैसे सिक्योरिटी और चार्जेस बढ़ रहे हैं तो कार्ड एंट्री स्टार्ट होगी कि आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा तो वो है नहीं मोर ओवर लाइक वो भी वीआईपी में नॉर्मल में है अभी फिलहाल के लिए तो और मेनली इवेंट्स को जो ऐसे सिटी में इवेंट्स हो रहे हैं उनको टारगेट करें नहीं मैरिजेस में आप किस कौन सी मैरिजेस को टारगेट कर रहे हो बिग फैट वेडिंग्स को बिग सर फिलहाल के लिए बिग को क्योंकि एक बार ट्रेंड में आ जाएगा जैसे अभी कार्ड का एंट्री है तो धीरे धीरे वो दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर होती हैं क्योंकि आजकल सिक्योरिटी इशू सबको आ रहा है हार्ड एंड मनी सबकी लग रही है तो अगर वो चीज़ सबके साथ हो रही है जैसे हम देखते हैं यहाँ पे रस्ते में काफ़ी मैरिज पैलेसेस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं रुक जाते हैं वहाँ पे खाने पीने के लिए और वही चीज़ को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वेन्यू और द पर्सन वो धीरे धीरे समझेंगे सोसाइटी वाले कि ये चीज़ एक सही चीज़ कर रहे हैं एंड आप जो कह रहे हो कि लाइक यू नो मीन्स जो भी लोकेशन होगी उसकी लोकेशन आपके साथ शेयर कर दोगे ऑब्वियसली विल बी यूजिंग गूगल ऐप्स गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करोगे है ना तो गूगल तो ऑलरेडी आपको डायरेक्ट कर ही देता है इफ़ आई पुट एनी लोकेशन लेट्स से कि मैं किसी बैंक्वेट हॉल की लोकेशन सर्च करूंगा मैं नॉर्मल गूगल मैप में डालूंगा व्हाई वुड आई यूज़ योर ऐप वही आपके प्रोसेस को इजी किया है क्योंकि आपको कई बार होता है कि सेम नेम्स के साथ रिलेशन हो जाता है जैसे अभी मैंने कुछ सर्च करता हूँ सिटी यूनिवर्सिटी सर्च की तो कई बार सिटी ग्रुप का भी आ जाता है बीच में तो पर्सन को पता नहीं होता आता नहीं आता सिटी यूनिवर्सिटी आती है कोई और यूनिवर्सिटी नहीं आती नहीं सर मतलब कई बार सिमिलर नेम के लोकेशन के साथ मैचअप हो जाता है एक शहर में सिमिलर लोकेशन होती ही नहीं है गूगल मैप्स कैसे टैप गूगल मैप्स की टेक्नोलॉजी क्या है आपको पता है अगर सिटी यूनिवर्सिटी ने इस मैप को लैंडमार्क करवाना है लेट्स इंटीग्रेट कराना है मैप के साथ तो कैसे होती है बिजनेस की लिस्टिंग कैसे होती है गूगल मैप्स में कैसे नहीं गूगल मैप बिजनेस पेज कैसे बनता है सर मैंने क्रिएट किया था मतलब एक शॉप थी उनके लिए कैसे तो मैंने उनको लॉग इन अपनी जीमेल आईडी से किया वहाँ पे और वहाँ पे जाके गूगल पे अपनी लोकेशन को टैग किया पहले और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस डाली डिस्क्रिप्शन डाली और फिर उसको एग्री किया तो वो आफ्टर सम टाइम मुझे मेल आई वेरीफाई के लिए तो मेल आने के बाद हुआ था मेल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आई कि हार्ड फिजिकल दो दो तरह की थी एक तो हार्ड जो 15 डेज में आती है एक वो आती है और दूसरी तो गूगल गूगल बेसिकली फिजिकल पोस्टल मेल्स भेजता है टू वेरीफाई दैट एड्रेस ओनली पर सर बस ये था कि उस चीज को इजी किया कि आपको गूगल डालना पड़ेगा कि आपके ऐप में आ गया इजी क्या है वो तो एक ऐप ही है जब आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट ऐप एंड वो ओपन हो जाएगी अब लेट्स से कि इफ यू आर डेवलपिंग
आप पता क्या करोगे, आप अपनी कॉस्टिंग इंक्रीज करोगे और मल्टीपल पॉइंट्स पे कॉस्टिंग इंक्रीज कर रहे हो आप। पहला आप कह रहे हो कि आप अपनी मैन पावर को वेन्यूज पे भेजोगे, राइट? उस वेन्यू पे जाके आपकी मैन पावर क्या करेगी? सर वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा नहीं लगनी, एक स्टार्टिंग पे सिक्योरिटी चेक में लगेगा और एक ऑर्गेनाइजर, मतलब तीन। मतलब आप सिक्योरिटी चेक पे अपनी मैन पावर लगाओगे? सर सिक्योरिटी चेक पे जो स्कैन करेगा कोड वो बंदा रहेगा सिर्फ। आपकी टीम का होगा सर? यस, वो डिपेंड करता है कि जो वेन्यू, क्योंकि अभी नया कंसेप्ट है तो हम उस डायरेक्टली अगर उनको दे देंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो स्टार्टिंग में हम नहीं। आप कैसे चेक? सो लाइक देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप ना, एक यूजर ऐप होगा, एक एडमिन ऐप। नहीं, दैट आई अंडरस्टूड। आप सिक्योरिटी चेक कैसे करोगे? प्रोबेबली लेट्स से कि आप, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे सपोज करो कि मैंने अपने घर पे एक शादी रख ली, ठीक है, निखिल सर को मैंने बोला कि सर आपने आना है, इनके पास पहले वो ऐप होनी चाहिए जिसमें वो QR कोड आएगा, तो उनको पहले ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो QR कोड उस ऐप में आ गया, अब मेरे पास वो QR ऐप होगी जो उस QR कोड को स्कैन कर ले। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मेरे पास होस्ट के पास ऐप होगी जो उस QR कोड को स्कैन कर ले। इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में एग्जिस्टिंग है जो आपकी अटेंडेंस सिस्टम को मैनेज करती है। जो आप ये बता रहे हो ना, ये बेसिकली अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आ जाता है जो ERPs इसको ऑफर करती हैं। व्हाट हैपन्स इन प्लेसेस लाइक इफ़ यू गो टू मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, नोएडा, वहाँ पे देर आर टीचर्स हु टेक यू नो मीन्स क्लासेज इन एन ऑडिटोरियम, जहाँ पे उनके पास 2,500-5,000 बच्चे आते हैं। नाउ traditionally what used to happen in order to you know means make sure that a genuine person is entering into the hall and in order to count the things, वो counting machine आती थी, टक 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 करते रहते थे तो count होता रहता था, number one, and eye card के through हो जाता था। Now what is happening, different kind of eye cards are coming, RFID eye cards आ गए हैं, QR code eye cards आ गए हैं, बार कोड स्कैनर्स आई कार्ड्स आ गए हैं। वॉट दे डू वेन एवर यू नो मीन्स दे आर एंटरिंग इन टू द हॉल, दे हैव अ स्कैनर इन देयर हैंड, दे जस्ट पॉप इट अप, उनके ऑटोमेटिकली सिस्टम में चल जाता है दैट यस दिस पर्सन हैज एंटर्ड, एंड दैट सिस्टम ऑटोमेटिकली इवन शोज दैट इन अ मंथ हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्सन हैज कम, हाउ मेनी यू नो मीन्स ऑनलाइन असेसमेंट ही हैज टेकन और ऑल दी अदर थिंग्स जो आप लेके आ रहे हो। तो एक तरह का आप वही वर्जन बता रहे हो कि आप एक तरह का अटेंडेंस सिस्टम ही हो गया ERP, ना? एक आपका अटेंडेंस सिस्टम ही हो गया, वेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्लस अटेंडेंस सिस्टम आ गया, राइट? एंड दूसरी चीज़, बट इसके ऊपर ना थोड़ा सा रिसर्च करो, क्योंकि देखो व्हाई वुड ही इंस्टॉल एन ऐप जस्ट टू अटेंड वन मैरिज फंक्शन? और अगर मैंने ना की सर, मेरा नेट ना चला सर, उसका तो मैं बाहर के बाहर चला जाऊँगा सर, जो और फिर मेरा इनसे जो रिलेशन खराब हो गया, मेरे यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं चल रहा, वो कंपनी कहाँ से करेगी? क्योंकि बैंकेट ऑल तो आउटर में होते हैं, आउटर्स में होते हैं ना, वहाँ नेट ही नहीं आता। कि व्हेनेवर जब आपको भी वो आएगा ऐप के ऊपर, तो देयर विल बी एन ऑप्शन टू सेव टू गैलरी जो QR, क्योंकि आपको सिर्फ QR कोड चाहिए उस टाइम पे जब आपने रीच करना है वहाँ पे। और जो सर आप बोल रहे हो RFID जो स्कैन हो रहे हैं, तो अभी इंप्लीमेंटेशन में कोई नहीं आया जो वेडिंग्स या इवेंट्स में इसको यूज कर रहे हो? इवेंट्स में होते हैं सर, वो यू गो एंड अटेंड एनी कॉर्पोरेट इवेंट इन लुधियाना में कर लो, हयात में होते हैं इवेंट्स, रेडिसंस में होते हैं इवेंट्स, अब वहाँ पे जाके करो इवेंट्स अटेंड्स, वहाँ पे मींस इफ यू हैव इट इवेंट में ही चलेगा ये, शादियों में चलेगा ही नहीं, कॉर्पोरेट इवेंट्स में चलते हैं। एंड यस, आपको अब जैसे बताया ना, इंडियन में, इंडिया में जो एक मैरिज सिस्टम है ना, वो बहुत सेक्रेट है, वो एक सेक्रेट रिचुअल है, राइट? उसमें इट्स अ काइंड ऑफ अ यू नो मीन्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर एवरी पर्सन। मैं अगर शादी के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करूँगा तो मेरी मेंटालिटी क्या बोलेगी कि मैं सबको इनवाइट कर लूँ, ठीक है? अब मैं सपोज करो 100 लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, अब मैं 100 लोगों को ये बोलूँ कि आपने अंदर आने के लिए पहले से ऐप को इंस्टॉल करना है, कौन करेगा इंस्टॉल? अभी इसका ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तुमने देखा होगा, तुम्हें उसका मीनिंग नहीं बताया। शादियों के कार्ड पर लिखा होता है RSVP, देखा कभी? RSVP फिर नीचे किसी का नाम होता है या लिखा होता है ऑल फैमिली फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से लिख देते हैं ना लोग। But that concept is basically from the France. That is a short form of a French word that is Répondez s'il vous plaît. Means respond me please. When they distribute the card, they ask the people कि हमें अभी पहले एडवांस में बता दो कितने लोग आ रहे हो, फिर वो लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। बट इंडिया में जब ये इन्होंने स्टार्ट किया, और अगर किसी को कह दिया भाई कितने लोग आ रहे हो, तो वो लोग कोई भी नहीं आएगा, अफेंड हो जाएंगे, है ना? इसलिए उन लोगों को मतलब ही नहीं पता। अब RSVP के नीचे लिख देते हैं ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली, या ये लिख देते हैं मेरे चाचू की शादी में आना, है ना? तो वो कुछ नहीं है, बट एक्चुअली उसका मीनिंग यही है, Répondez s'il vous plaît मीन्स रिस्पॉन्ड मी प्लीज दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग। तो दिस कंसेप्ट
they already tried it in the hard version, but it was not successful. It is good idea, but for the corporate world, corporate event, for that you need to have a very strong ERP system, you need to have a good technical team, right? You need to have application experts. Everything is there. The many companies there, those who are actually working on it, like SAP is there. SAP is working on the same technology, and they are already providing this kind of technology to almost every corporate houses, right? So they are doing it. Do some research. Like, if you want to include this in the marriage system, then you need to find your niche market. कि आप कैसे उसको implement करोगे? कौन से? देखो, simple सी चीज़ है. App तो कोई install नहीं करेगा. 100 लोग ऐप्स इंस्टॉल नहीं करेंगे. 100 में से चलो ठीक है 1% इंस्टॉल कर लेगा कि हाँ चलो मैं करके देख लेता हूँ. ऑल दो आजकल तो ई कार्ड्स भी आते हैं, जो आजकल तो फिज़िकल कार्ड्स भी नहीं चलते, वर्चुअली कार्ड्स भेज देते हैं या वीडियोस भेज देते हैं कि हाँ जी आपने शादी पे आ जाना. कई बार तुम वो भी नहीं सेव कर पाते, राइट? तो थोड़ा सा इस पर सर्च करो कि आपने अगर मैरिजेस में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना तो कैसे. बट देखो उसमें चैलेंजेस हैं. आप ये देखो, आप बोल रहे हो कि मैं शगुन ऑनलाइन ले लूँगा, शगुन मैं पेटीएम कर दूँगा. कौन सी डिटेल्स चाहिए? आजकल आप ऑनलाइन जब ई कार्ड आते हैं उसमें पेटीएम का कोड लगा होता है. यूपी में बनियों की शादियों में होता है, उन्होंने शुरू कर दिया कि यहाँ पे बंदा बैठा होता है नोट करने. जो आप ये कह रहे हो ना कि डिटेल्स लेनी पड़ेगी, आजकल यूपीआई फोन नंबर के साथ इंटीग्रेटेड है. अगर मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इनको जानता हूँ ना, मेरी फ़ोन नंबर्स तो हैं हमारे पास एक दूसरे के, ये मेरे को नॉर्मल फ़ोन नंबर पे कर देंगे. सो फॉर दैट थिंग ना, कि आपको पहले जैसे आप क्लोज वन हो तो आपको पता है, जैसे कोई दूर के रिश्तेदार है, मैं दूर बुलाएगा ही क्यों, बुलाऊंगा क्यों उनको, क्यों बुलाएगा वो मेरे को, इनवाइट करके बुलाएगा ही नहीं वो मेरे को, और मैं फिर उसको मैं ऑनलाइन ही क्यों. अच्छा सुनो, मैं अगर शादी में बुलाऊंगा, मैं चाचा को, ताया को, बुआ को, उनको ही बुलाऊंगा ना, तो वो तो सारे मेरे नोन ही हैं, उन सबके नंबर्स होंगे तभी तो इनवाइट करना. सिंपलिसिटी से करना, थोड़ा और सिंपलीफाई करो इसको, थोड़ा सिंपलीफाई करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, अपना निश मार्केट ट्राई करो. इसको सिंपल क्या कर सकते हो कि आप पहले डिसाइड करो किस तरह से करोगे, इसका फ्रेमवर्क डिसाइड करो, फिर कौन से सेगमेंट को करोगे. जैसे तुम जो बड़े बहुत बड़े लेवल के इवेंट प्लानर हैं उनके साथ टाइप करो, इस तरह से होगा. और ये एप्लीकेशन वाला आईडिया की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है. और ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर इवेंट, जैसे स्टैंड अप सेशन हो रहे हैं कॉमेडी, वो QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट हो रही है. दैट इज एन ऑप्शन कि जो करना चाहता है. दूसरी चीज़ देखो, आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे भी ना तब भी आपको थर्ड पार्टी, तो उसको आपकी बेसिकली ये सारी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ही है. आप खुद तो टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे नहीं पेमेंट ट्रांजेक्शन की, ऑलरेडी मार्केट में डेवलप्ड है, भारत पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उन्हीं को थर्ड पार्टी आप इंटीग्रेट कर दोगे एक जगह पे लेके आ रहे हैं. हाँ वही ना, एक सिंपल सी एक चीज़ वो कर दोगे. तो रादर देन दैट थिंग, तो जैसे बोला ना सर ने, थोड़ा सा रिसर्च करो, मार्केट सर्वे करो, थोड़ा सा ट्राई टू फाइंड योर निश मार्केट, एंड देन यू नो मीन्स रीफ्रेम योर विजन एंड आइडिया, देन वी कैन डिस्कस ऑन. ठीक है, थैंक यू. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर टुडे, मी तुषार एंड माय मेट विशाल. वी आर हियर फ्रॉम बीटेक सीएससी. वी आर प्रेजेंटिंग हियर द आइडिया ऑफ स्मार्ट स्विचेस. सो basically we have faced so many issues regarding electric shocks. we hum aaye time sunte rehte hain ki kisi ko shock lag gaya, kuch ho gaya. so basically hamari jo problem hai wo ye hai ki jaise ghar mein bacche hote hain ya pets hote hain ya kai baar kuch samajhdar log bhi hote hain to unka bhi haath jo switches pe lag jata hai ya geela haath lag jata hai to usse current lag jata hai. to us cheez ko hi prevent karne ke liye humne idea banaya ki hum ek smart switch banayenge jisme ki sensors lage honge. जब वो कोई भी सेंसिबल चीज़ को सेंस करेगा जिसको करंट लग सकता है, फॉर एग्जांपल भले वो कोई पेट हो, भले वो कोई ह्यूमन बींग हो, कुछ भी मतलब जीती जागती चीज़ होगी, जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो पीछे से करंट को कट ऑफ कर देगा, जिसके चलते उसको करंट नहीं लगेगा बंदे को जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है. सो सिंपल सा बेसिक्स आइडिया इसका यही है. सो हमारे जो नॉर्मल स्विचेज़ होते हैं वो अराउंड 150 के अराउंड कॉस्ट करते हैं. ये जो चीज़ है हमारी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगी, बट हाँ देयर वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्विचेस इन मार्केट की जिनके अंदर एक शीट लगी आती है पहले से कि तुम उसकी ना एंट्रेंस के बिना तुम एंट्री नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी एक सेफ सेट बनी होती है कि करंट लग ही नहीं सकता. बट समटाइम्स हम ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इशू वहाँ पे आता है कि लोग यहाँ पे प्लग्स तो यूज़ करते हैं, साथ साथ आजकल ना थोड़ा लोकल सिस्टम चलता है कि तारे डाल देते हैं. अब क्या होता है, हम तार डाल देते हैं, अब वो लॉक लग जाता है तार को, जो खींचते हैं ना तो एक तार छूट जाती है, बाहर निकल जाती है,
वो टच करते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर बन जाता है यहाँ पे आके। एंड प्लस अगर देखा जाए तो आजकल तो इतने एडवांसमेंट आ गए कि प्लग्स तो हर जगह लगे हैं, लोग वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी प्लग्स लगे हैं, चार्जर लगा के रखते हैं, हम प्लग्स ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, नहा के निकलते हैं तो कोई भी स्लीपर वेयर नहीं करता, पर अगर वेयर करते हैं तो वो भी बैटरी होती है। तो अगर उसकी हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आजकल तो जैसे सिस्टम हो गया, हम प्लग को ऑन करते हैं ना, कुछ प्लग्स ऐसे होते हैं बाइक डिफॉल्ट ही डिफेक्टिव प्लग्स आते हैं, वो स्पार्क क्रिएट करते हैं, अगर वो स्पार्क भी तुमको कॉन्टैक्ट करती है तुम गीले हो तो तब जाके भी वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जो हम चीज़ अभी क्या इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं ये कुछ एडवांस लेवल की चीज़ है, वो शील्ड से वे आगे है वो चीज़। डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट अगर देखा जाए तो अगर एक इंसान चाहेगा कि मैं अपनी सेफ्टी फैक्टर्स को लेके इंक्लूड करूँ, मेरे कुछ सेफ्टी फैक्टर्स हैं ठीक है, तो उसको ये वो खर्चे के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपनी फैमिली के बारे में एक स्टेप आगे रखेगा कि कोई बात नहीं अगर मेरा 200 ज़्यादा लग रहा है मैं वो लगा लूँगा, बट एक सेफ्टी तो है क्योंकि कल छोटा बच्चा है कोई उसको टच कर देगा तो उसका हो जाएगा। पीपल नाउडेज डू अफोर्ड मोस्ट सेफ्टीज, तो मतलब सर वो इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं सेफ्टी पे, तो थोड़ी सी इस चीज़ की सेफ्टी पे भी, लग्जरी पे भी इतना ज़्यादा लगा ही रहे हैं, तो एक सेफ्टी में अगर 200-300 ज़्यादा लग जाए तो किसी को खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। एक नॉर्मल स्विच की कॉस्ट यही, स्विच बोर्ड जो पूरा होता है उसकी कॉस्ट यही 150 के अराउंड होती है, इसमें सेंसर लगने की वजह से बस इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इट में कॉस्ट अराउंड 500, बट लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी कंसर्न है। सर हमारे स्विचेस जितने मर्जी हाईटेक हो बट लेकिन पानी की वजह से समटाइम्स उनमें से भी लीकेज होकर करंट आ ही जाता है, इवन एक डिस्टेंस से भी कई बार करंट कैच कर लेता है। सो वी विल मेंटेन अ डिस्टेंस जिसमें कि आते ही वहाँ से पीछे से करंट कट हो जाएगा, और किसी भी कंडीशन में जो ह्यूमन बीइंग होगा या फिर कोई भी लिविंग चीज़ होगी उसको करंट नहीं लगेगा या फिर कोई भी स्पार्क का जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा अभी मार्केट में कुछ भी नहीं आया, और सर इसकी कोई प्राइस भी इतनी खास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल स्विचेस भी जो हैं वो कुछ लग्जरी स्विचेस वगैरह होते हैं तो वो भी बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। सो सर हमारा मेन मोटिव इसमें यही है कि हमने अपने जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, सो वी विल नॉट बी मेकिंग दैट मच प्रॉफिट आउट ऑफ इट, वी आर डूइंग इट फॉर द सेफ्टी कंसर्न फर्स्ट एंड देन फॉर द बिजनेस। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। अराउंड 20 ईयर्स बैक व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स आई हैव क्रिएटेड द सेम थिंग इन माय सेकंड ईयर एंड आई हैव नॉट डन समथिंग न्यू, even that was done by many seniors. So in you might have heard about infrared switches also. Yes. When you enter into the room the lights automatically yes, switch on, right? That is the same thing. Plus moreover you said that ki there are some people who used to put the wire and then they take it out. The those people who are who do not even afford the plug and they are using the wire, why they will buy this? Hai na? Wo kyun lenge? Jo taron ko istemal kar rahe hain wo ye lenge hi kyun? Dusri baat infrared switches pehle se hi hain. बहुत सारी कंपनीज के हैं, एक नहीं है बहुत सारी कंपनीज के ऑलरेडी अवेलेबल है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि कोई आएगा एक डिस्टेंस के बाद वो पावर ऑफ हो जाएगी, है ना ये कह रहा ना सर, फॉर टाइमिंग फॉर टाइमिंग छोटा बच्चा आया और आती लाइट गायब हो गई वो तो घबरा जाएगा। नो सर, दैट इज डेंजरस इज फॉर द प्लग दैट स्विच वेयर वी डू पुट द स्विचेस पुट द प्लग्स व्हेन द चाइल्ड विल कम इन कांटेक्ट। वो भी आया मेरे यहां पे टीवी लगाया टीवी बंद हो गया, कुछ एड ऑन्स अगर आप कर सकते हो ना, जैसे देखो स्मार्ट स्विचेस मार्केट में अगर आप सर्च करोगे तो स्मार्ट स्विचेस इस तरह के भी आ गए, विप्रो के भी आते हैं, एंकर कंपनीज के भी आते हैं, यस उनके भी आते हैं, जिसको अगर आप लेट्स से कि कुछ आजकल तो ऐसे ऐसे स्विचेस भी आते हैं कि आपके जो 3-pin प्लग होता है उसमें आप अटैच कर दो तो योर एंटायर रूम गेट्स IoT ड्रिवन, लाइक सो विद द क्लैप यू कैन जस्ट यू नो मीन्स टर्न ऑन द लाइट्स टर्न ऑफ द लाइट्स इस तरह से भी सब कुछ, राइट। इन दिस यू नीड टू डू सर्टन रिसर्च, नंबर वन लाइक यू आर सेइंग दैट विच विल डिटेक्ट द ह्यूमन फ्लैश और एनी अदर थिंग, ठीक है, ह्यूमन फ्लैश को डिटेक्ट करने का जो आप वो कह रहे हो उसके लिए विच काइंड ऑफ सेंसर्स यू विल बी यूजिंग? सर द सिंपल सेंसर्स वी डू यूज इन आवर ऑटोमेटिक गेट्स और लिफ्ट्स एटसेट्रा, वो तो मोशन डिटेक्टर सेंसर्स होते हैं सर, हम इसमें ह्यूमन फ्लैश डिटेक्टर्स ही लगाएंगे बेसिकली। हाँ तो वही चीज़ है ना, सेंसर कौन सा यूज़ करोगे उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, आपने लेट्स से 500 रुपीज़ कोट किया
ठीक है, तो पहले सेंसर की फिजिबिलिटी और उस वो सेंसर इतने छोटे से उसमें फिट हो जाएगा? यस सर, ऑब्वियसली उसको रिसर्च करो, छोटे सेंसर्स भी आते हैं ना, पहले स्टडी करो उसको, स्टडी करो उसको, रिसर्च करो, ठीक है, काउंटर्स अलग होते हैं, सेंसर्स अलग होते हैं, उसको प्रोक्योर करो, लेट्स से कि यू कैन यूज रोबोटिक्स लैब ऑफ द यूनिवर्सिटी या राइस लैब ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस आइडिया के ऊपर वर्क करो, उसमें देखो एग्जिस्टिंग, जैसे सर ने बोला कि ऑलरेडी इंफ्रारेड स्विचेस आते हैं उनको परचेस करवाओ, यूनिवर्सिटी कैन हेल्प यू इन दैट, ठीक है, उन स्विचेस को परचेस करो, उसमें देखो कि हाँ भी क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं। मैंने 200 रुपये में बनाया था उस टाइम, ठीक, 200 रुपये में, एनी उस टाइम की बात है, और वो मुझे टीचर ने कहा बहुत महंगा बना तुम्हारा, मैंने कहा छोटा बनाने के चक्कर में महंगा बना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं ये, और मैंने आगे अपने पंखे पे लगा के रिमोट से ऑन ऑफ किया था, फिर पंखा फूक गया था क्योंकि मैंने सही नहीं बनाया था, बट मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें नया इनोवेटिव क्या कर सकते हो, कनेक्ट विद राइस लैब, कनेक्ट विद रोबोटिक्स लैब, राइट, दे विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट, खुद अपनी रिसर्च करो, हमसे डिस्कस करो, देन उसके बाद आपका ना कुछ इनोवेटिव लेके आ सकते हो, बहुत कुछ है इनोवेशन, सोचो क्या हो, कुछ और, बट ये अभी कुछ नहीं है बिल्कुल, अभी कुछ और सोचो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, हम आपके फीडबैक्स को मद्देनजर रखते हैं, इसमें जो अपडेट्स हो सकेंगे उनको करेंगे, और विद द प्रोटोटाइप वी विल बी अवेलेबल सून, डन डन, थैंक यू जी, थैंक यू, गुड लक।